हेलो दोस्तों, फाइनली राजस्थान BSTC एग्ज़ाम का रिजल्ट हो चुका है जारी। तो आप जो है रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, जो इंतज़ार है आप सभी का खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था। और आप सभी को पता है 28 अगस्त को BSTC परीक्षा का आयोजन हुआ था, तो अब उसका फाइनली आज जो रिजल्ट है, मैंने एक सुबह वीडियो बनाई थी कि रिजल्ट या तो फिर आज यानी 29 को या फिर 30 को जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और फाइनली जो है आज ही आपको शाम को जो है रिजल्ट देखने को मिल चुका है, यानी फाइनली राजस्थान BSTC परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। जो रिजल्ट जारी हुआ है वो BSTC यानी प्री डिलेट परीक्षा की जो आधिकारिक वेबसाइट है panjiyakpredilet.com, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन ये जो है यहाँ पर काफी सर्वर डाउन में है, क्योंकि लगभग 5 लाख जो स्टूडेंट है वो रिजल्ट को चेक करने की कोशिश करेंगे, इसलिए जो ये वेबसाइट क्या हो जाएगी सर्वर डाउन में, अभी भी जो यहाँ पर प्रॉपरली जो है ओपन नहीं हो रही है। तो इसको रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगी, जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो वो यहाँ पर अभी जो है नए यूजर्स है वो आप हमारी इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, या फिर आपको हमारी आपको किसी भी ब्राउजर में आपको अपना हमारी वेबसाइट को सर्च करना है rjstudymonitor.com, नाम यहां पर आप देख सकते हैं। जैसे ही हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं BSTC एग्जाम रिजल्ट 2023 राजस्थान BSTC कट ऑफ मार्क्स 2023, तो सबसे ऊपर वाले लिंक मिल जाएंगी। और यदि ये लिंक ओपन नहीं होती है, इस ये लिंक यदि प्रॉपरली काम नहीं करती, तो इसके नीचे यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान BSTC रिजल्ट 2023 राजस्थान प्री डिलेड एग्जाम रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक, ये भी लिंक यहां पर एक्टिवेट है। दोनों की दोनों लिंक एक्टिवेट है, दोनों लिंक में से एक लिंक के माध्यम से आप आसानी से रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। यहां पर आपको यहां पर लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं रिजल्ट की लिंक डायरेक्ट मैंने यहां पर दे दी है, इसके माध्यम से आप रिजल्ट को जो आसानी से चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो आधिकारिक वेबसाइट है, यहां पर आप देख सकते हैं जो panjiyakpredilet.in, ये आधिकारिक वेबसाइट है राजस्थान BSTC 2023 के लिए। तो जैसे इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, सर्वर डाउन में वेबसाइट है इसलिए यहां पर टाइम लगता है। तो panjiyakpredilet.in यहां पर आप देख सकते हैं क्या कर रही है, लोड ले रही है, और यहां पर एक एरर आ रहा है 504 गेटवे टाइम आउट, यानी एक एरर है, एक सर्वर डाउन की प्रॉब्लम है, क्योंकि लगभग 5,70,000, ठीक है, विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है और उन्होंने परीक्षा को दिया है, तो वो लाखों स्टूडेंट इस वेबसाइट को विजिट करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट को चेक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिजल्ट चेक नहीं होगा क्योंकि सर्वर डाउन की जो प्रॉब्लम है वो रहेगी। तो आप बिना सर्वर डाउन की प्रॉब्लम के, ठीक है, बिना किसी सर्वर डाउन की प्रॉब्लम के रिजल्ट को सबसे पहले कैसे देखेंगे, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। आपको बस थोड़ी टाइम आपको वेट करना है, क्योंकि बार बार आप जैसे ही वेबसाइट को विजिट करेंगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आधिकारिक जो वेबसाइट है panjiyakpredilet.in, उस वेबसाइट को विजिट नहीं करके आपको हमारी वेबसाइट rjstudymonitor.com, इस वेबसाइट को विजिट करना है। जैसे इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो BSTC 2023 सेक्शन में जो आपको वेबसाइट मिल रही है उस पर जो फर्स्ट जो लिंक मिल रहा है उस पर आप क्लिक करें, और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो डायरेक्ट जो क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको बार बार क्लिक करना है। एक क्लिक में आप ये डायरेक्ट जो है ओपन नहीं होगी, जैसे इसको बार बार आप रिलोड करेंगे, आप बार बार इसको विजिट करेंगे, तो ये कुछ ही देर में यहाँ पर यहाँ से रिडायरेक्ट होकर ऑफिशियल जो प्रीडिलेट panjiyakpredilet.in जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वहां पर मैंने आप सभी को बताया था, वहां पर, ठीक है, यहां पर एरर आ रहा है, आप 2-3 बार आप ट्राई कीजिए, आपके सामने ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है। बाकी अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को, यहां पर आप देखिए इसका, यहाँ पर आपके सामने जो कनेक्शन सिक्योर कुकीज एंड साइट डेटा लास्ट विजिट टुडे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका जो हिस्ट्री है ना वो आपको हटानी है, ठीक है। हिस्ट्री हटाने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, ये जो 3 डॉट है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, जो हिस्ट्री का जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो हिस्ट्री आ रही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो गेटवे आ रहा है उसको आप क्लियर करें, ठीक है। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जितनी भी बार इस वेबसाइट को आपने विजिट किया है तो उसको आपको हिस्ट्री को डिलीट करना है, फिर अब आपको वापस ट्राई करना है, आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है rjstudymonitor.com। जैसे हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, BSTC एग्जाम रिजल्ट 2023 पर आपको क्लिक करना है। तो बेसब्री से जो इंतजार चल रहा था वो फाइनली आज क्या हो चुका है, आप समाप्त हो चुका है, और शाम को आपको एक और वीडियो मिलेगी
जो कि कट ऑफ पर मिलेगी आपके जितने भी स्कोर आए होंगे, क्योंकि लगभग आप जो है 10 से 15 मिनट में आप अपना रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। बार बार यदि आप ट्राई करते हो तो आप आसानी से 10 से 15 मिनट में, अगले 10 से 15 मिनट में आप आसानी से चेक कर पाएंगे अपना स्कोर कार्ड, जितने भी आपके नंबर बने और आपके कितने, यदि आपने रिजल्ट को देख लिया है तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आप कॉमेंट जरूर करें। और ये भी जो आपकी कैटेगरी है, आपको कॉमेंट बॉक्स में क्या क्या कॉमेंट करना है ये भी आप जो है जरूर आप नोट करें। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको कमेंट करना है, कितना स्कोर बना है, ठीक है, कितना स्कोर बना है वो आपको कमेंट करना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि एक ही कमेंट को हम रेट करेंगे अगले वीडियो में। और आपको फाइनल जो सटीक जो कट ऑफ रहेगी वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और क्या काउंसलिंग की आगे की प्रक्रिया रहेगी, आज रिजल्ट जारी हुआ है तो कब काउंसलिंग का जो नया जो शेड्यूल है वो जारी होगा। तो रिजल्ट को लेकर फाइनली आज इंतजार जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है, तो क्लिक हियर पर बार बार आप क्लिक करना है, जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाती है तो फाइनली आप रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। अब रिजल्ट को कहाँ से चेक करेंगे, तो ये ओपन हो जाएंगी वेबसाइट, ठीक है, जो pancheekpredelai.in की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होती है तो जो नोटिसेज एंड अनाउंसमेंट का जो इंटरफेस आपको वहां पर मिलता है, एक अनाउंसमेंट का फीचर्स मिलता है आपको, नोटिसेज एंड अनाउंसमेंट में आपको जाना है और वहां पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा रिजल्ट 2023। क्या मिलेगा आपको, एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी आपको रिजल्ट 2023, क्या मिलेगी रिजल्ट 2023। तो उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो या तो अपना एप्लीकेशन नंबर आपको ऐड करना है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, या फिर आप अपने रोल नंबर के माध्यम से भी आप रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। तो इन दो माध्यम से अपना आपको रिजल्ट जो है वो चेक कर पाएंगे, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन मिल सकता है नेम एंड DOB, ठीक है, अपना जो नेम है और जो सेकेंड है वो डेट ऑफ बर्थ भी आप एंटर करके अपने रिजल्ट को क्या कर पाएंगे, आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर रिजल्ट को अपने स्कोर कार्ड को देखना है, तो बार बार आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है। जो भी आगे की जो प्रोसेस है, जो कट ऑफ मार्क्स है, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ मार्क्स है, जो काउंसलिंग की प्रोसेस का जो शेड्यूल है फिक्स, आपको हमारी वेबसाइट को बार बार आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों लिंक ट्राई करनी है, ये जो नीचे वाले लिंक है इस पर भी आपको ट्राई करना है, और यहाँ पर भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिंक दे दी गई होगी चेक रिजल्ट, ठीक है, https://pancheekpredelai.in/, तो आपको क्लिक हियर जो नीचे आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिंक ओपन हो जाएगी जो कि pancheekpredelai.in पर होगी, और कुछ ही देर में आप इस रिजल्ट को चेक कर पाएंगे आसानी से। तो जितना भी रिजल्ट आपका जो भी रहता है, एडवांस आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, और अपने कितने नंबर आप भी गेन किए वो आप देख पाएंगे आसानी से। कुछ ही समय में आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर पाएंगे, बार बार आपको विजिट करना है। और यदि आप रिजल्ट को चेक नहीं कर पा रहे तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको अपनी जो रोल नंबर वगैरह जो है, या फिर आपको हमारे इंस्टाग्राम पर, ठीक है, डायरेक्ट आप जो है हम कुछ ही देर में आपको रिजल्ट को चेक करके भेज देंगे। आपको जो हमारा इंस्टाग्राम जो मैं आपको आईडी जो यूजर है वो बता देता हूं, जो कल्याण, ठीक है, कल्याण YT मास्टर, ये हमारा क्या है इंस्टाग्राम का एक यूजर है, ठीक है, यूजर है, अकाउंट है हमारा कल्याण YT मास्टर, पब्लिक अकाउंट है, उस पर आप हमें मैसेज सेंड करिए, ठीक है, हमें आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है, हमारे और ID पर हमारे फॉलो कर दीजिए, और मैसेज करना है आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, या फिर आप अपना रोल नंबर, और या फिर अपनी जो नेम है, या फिर आपको जो नेम और अपने जो DOB है वो आप हमें सेंड कर दीजिए। हम आपको जो भी अपना जो हमारा सिस्टम से जो स्कोर कार्ड है आपका वो हम स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देंगे, फोटो PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़कर आप डायरेक्ट मैसेज करके आप अपना जो रिजल्ट है वो देख पाएंगे, और आपको इस वेबसाइट को बार बार विजिट करके फाइनल जो कट ऑफ है वो आप आसानी से देख पाएंगे। रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक मिलेंगी, तो आपको क्योंकि डायरेक्ट जो है वेबसाइट ओपन नहीं होगी, क्योंकि एक साथ कहीं स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया है, एक साथ कहीं स्टूडेंट रिजल्ट को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये देखिए अभी जो रिजल्ट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक फॉर रिजल्ट, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब जो यहाँ पर एरर भी मिल सकता है, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर वापस एरर बता रहा है, तो आपको यहाँ पर वापस रिरोल करना है एंड नोटिसेस एंड इस पर जाना है, क्लिक फॉर रिजल्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस पे आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिंक फॉर रिजल्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक यही है, bstc.uni
इंडिया univi.in, ये इसकी ऑफिशियल हैशटैग। यहाँ पर एक वेबपेज दिया गया है, तो कुछ ही देर में एरर समाप्त हो जाएगा। आपको हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट इसको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। हमारी वेबसाइट से आपको क्या करना है, इसको रिडायरेक्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे ये रिडायरेक्ट हो जाए तो आप अपना रिजल्ट को आसानी से चेक कर पाएंगे। तो आपको देर नहीं करनी, हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है, ठीक है। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट ओपन हो रही है, तो यहाँ पर आपको लिंक फॉर रिजल्ट पे जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो लिंक फॉर रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है ना, तो इस पे आपको कैंसिल करके लिंक फॉर रिजल्ट पे जाना है। और जो bstc.univi.in, ठीक है, univi जो इंडिया है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। तो ये वेब पेज हमेशा आपको यहाँ पर, यहाँ से लिंक कॉपी करके वापस इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको रिलोड करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री डिलेड 2023 रिजल्ट। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रोल नंबर पूछेगा, ठीक है। तो आपको रोल नंबर देना है, क्या करना है आपको, अब रोल नंबर आपको एंटर करना है, जो भी आपका रोल नंबर है। वापस उस पर क्लिक करें और उसको रिलोड करें, ठीक है। तो जैसे इसको रिलोड करेंगे तो आपके सामने ये सर्वर डाउन की जो प्रॉब्लम है वो हट जाएंगी। इसलिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करें, उसको वेबसाइट को रिडायरेक्ट करें, ताकि आप आसानी से रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। और आपने इस प्रकार से आप रिजल्ट देखें और आपको कॉमेंट करना है अपना जो भी स्कोर बनाए, या फिर अभी आप रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे तो आपको हमारी जो इंस्टा पर आप हमें जो यहां पर मैसेज करें डायरेक्ट, हम आपको आसानी से रिजल्ट चेक करके बता देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कनेक्शन टाइम आउट यानी एरर आ रहा है, तो ये एरर हट जाएगा बहुत ही जल्द। आपको हमारी वेबसाइट को रिडायरेक्ट करके आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है, आसानी से एरर को हटा पाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।